السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معزز ومكرم سامعين كرام أو سامعات अक़ीदे पर मुश्तमिल हमारे ये दुरुस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह, ला बहुशन ख़ूबी अल्लाह तबारक व ताला के फजल से अल्लाह रबालबीन के तो़ीक़ से चल रहा है और गुज़त दर्स में हमने तोहीद और शर्क से मुतालिक चंद अहम बातें आपके सामने दिकर की थी आख़िर में जो बात हमने गज़त इतवार को की वो शिरक से मुतल थी और आपके सामने ये बात आई कि शिरक की दो किस्में हैं एक है शिरक अकबर और दूसरा है शिरक असगर और यह भी बात आपके सामने आई कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क करना ये इंतहाई ज़रूरी है फ़र्क ना करने की सूरत में खवारिज की रविश पर बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं शिरक अकबर क्या है ऐसा शिरक ऐसा गुनाह ऐसा काम जो इंसान को इस्लाम से बाहर कर देता है दायरे ईमान से उसको ख़ारिज कर देता है उसको बड़ा शिरक कहते यानी कि उसके बाद मुसलमान नहीं रहता जबकि शिरक असगर की ये तारीफ़ आपके सामने जिक्र की गई कि शिरक असगर कहते हैं ऐसे अमल को ऐसे काम को कि इंसान जब उसको करता है एक मुसलमान जब उसको करता है वो दीन में तो बाकी रहता है इस्लाम से वो ख़ारिज नहीं होता लेकिन बहुत बड़ा गुनह का वो मरतकब होता है और इसकी एक मिसाल आपके सामने दी गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फ़रमाया सिबाबुलमुसलिमी व वकीचा लूहू एक मुसलमान को गुनाह देना एक मुसलमान को गाली देना वो गुनाह है वो फसूक का काम है फिस्क का काम है और वहीं पर उससे कताल करना लड़ाई करना ये यहफ़्र है वितफ़्र अब सवाल ये है कि यहाँ पर कुफ़्र से क्या मुराद है अगर हम ये कहेंगे कि कि़्र यहाँ पर अकबर मुराद है अगर किसी मुसलमान से लड़ाई करना ये यहफ़्र करना है तो इसका मतलब ये है कि दो मुसलमान जब आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं उनका कोई आपस में इख्तलाफ होता है तो फिर इसका मतलब या फिर एक दो हाथ पैर कोई चला ले इसका मतलब ये होगा कि वो दायरे इस्लाम से दायरे ईमान से खारिज हो गया और हालांकि इस एतबार से अगर हम देखेंगे तो दुनिया में कोई मुसलमान अपने ईमान पर वो बाकी नहीं रहा कोई मुसलमान इस्लाम पर वो बाकी नहीं रहा लेकिन हमने बताया कि कुरान और हदीस का जब हम मुताल करते हैं तो यहाँ पर ये बात हमको समझ में आती है कि यहाँ पर इस हदीस में कुफ्र से मुराद क्या है छोटा कुफ्र है कुफ्र से क्या मुराद है छोटा कुफ्र है इसकी दलील अल्लाह तबारक वाल ने कुरान मजीद में बयान फरमाई कहा व इन तलुफ असल जब मोमिनों की दो जमात व इन मिनल मिनलिन जब मोमिनों की मुसलमानों की दो जमात आपस में लड़ते हैं इकतलु आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं अल्लाह रबीन ने क्या कहा मोमिनों की दो जमात अगर हम ये कहते कि मोमिन से लड़ना ये कुफ़्र अकबर है बड़ा कुफ्र है तो फिर अल्लाह आलमीन ने यहाँ पर आपस में लड़ने वाले दोनों मोमिनों को दोनों मुसलमानों की जमात को मोमिन क्यों कहा इसलिए कहा कि वो आपस में लड़ने के बावजूद भी यकीनन अगर एक हक़ पर है दूसरा ग़लती पर है तो दूसरा बंदा जो ग़लती पर है वो गुनहगार होगा लेकिन ईमान से ख़ारिज नहीं होगा ईमान से बाहर नहीं होगा इसीलिए अल्लाह तबारक व ने दोनों के आपस में इख्तलाफ होने के बाद भी दोनों का झगड़ा होने के बाद भी उन दोनों को मोमिन कहा और कहा कि फ असली बई उन दोनों के दरमियान सुलह करवाया जाए तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रबालमीन का ये लफ्ज़ जिक्र करना मिनल मिन आपस में दोनों लड़, लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं और हदीस में क्या कहा गया मोमिन से लड़ना ये कुफ्र है तो इस आयत की रोशनी में यह बात समझ में आती है कि कुफ्र से मुराद यहां पर कौन सा कुफ्र है कुफरे अजगर है या अकबर अजगर कुफरे असगर है इसकी वजाहत गुजश्त क्लास में की गई चूंकि मुबहम तौर पर या फिर मुख्तसर तौर पर की गई तो इसीलिए इसकी वजाहत मैंने आपके सामने कर दी मौजा सामी ने कराम उसके बाद शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन वहाब और रहमतुल्लाह अलैहि ने एक और मसले को ज़िक्र किया और कहा कि जब ये सारी बातें तौहीद को हमने जान लिया शिर्क को हमने जान लिया अल्लाह तबारक व ताला की मारिफत हमको कैसे हासिल हो सकती है इसको हमने जान लिया तो इस बात का तकाजा क्या है इस बात का तकाज़ा क्या है कि इस जानने के बाद एक मुसलमान पर क्या चीज़ लाजिम आती हमें क्या करना चाहिए तो इसका जवाब हमें ये दिया गया कि हम अल्लाह तबारक व तौ ही की हमें इबादत करनी चाहिए जब यह बात हम जान चुके कि अल्लाह रबुलमी ही हमको पैदा करने वाला है हमारा रब है तो हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि जो हमारा खालिक है वही हमारा महबूद भी है अब सवाल ये है कि इबादत किसको कहा जाता है इबादत किसको कहा जाता है हम और आप इबादत करते नमाज इबादत है रोजा इबादत है जक़ात इबादत है हज इबादत है इसी तरीके से इबादत की बहुत सारी किस्में हैं जो हम और आप करते हैं लेकिन इबादत का एक जाम मफहूम क्या इबादत किस को कहा जाता है कोई बता सकते हैं इबादत किस को कहेंगे जी अगर आप बोलेंगे कि अल्लाह के सामने सर झुकाना तो वो तो सजदा हो जाएगा यानी कि सिर्फ एक चीज़ में आपने इबादत को खास कर दिया अगर आप कहेंगे कि अल्लाह तबारक वाल के लिए रास्ते अल्लाह के रास्ते में अपने माल को लुटाना मतलब ये कि आपने सिर्फ खर्चा करने को अल्लाह के रास्ते में इसको इबादत करार दिया ये जामे मफूम नहीं होगा इबादत का क्या मफहूम है इबादत का क्या मतलब है कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए जी नहीं मुमकिन है लेकिन ये भी जामे या फिर मुकम्मल तो, मफूम नहीं है शेखा इस्लाम इबन तमिया रम्ह और दीगर इल्म इबादत की तारीफ ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि इस मुन इस मुन जाम लिकुलमा युबिबल्व इबादत कहते हैं एक ऐसा अमल एक ऐसा जाम इसम है एक ऐसा जाम नाम है इबादत के जिसके ज़रिए से बंदा अल्लाह तबारक व ताल की रज़ामंदी हासिल करता अल्लाह तबारक व तै की खुशनूदी हासिल करता है जिसको अल्ला रब्लम पसंद करते हैं लिकुल्ली मा युहिबू हुवा तबारक वाली जिसको चाहते हैं जिसको पसंद करते हैं और जिसको करने से राजी होते हैं खुश होते हैं उसको क्या कहा जाता है इबादत कहा जाता है अकवाल में से हो अफ़ाल में से हो ये तमाम इबादतें अकवाल में से भी हो सकती हैं और अफ़ाल में से भी यानी कि काम अखवाल कहते हैं ज़ुबान से अगर हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो क्या बोलते हैं हम इसको ज़िक्र जिक्र करना इबादत है या नहीं है यकीनन इबादत है अगर हम ला ज़ुबान से कोई क़लिमा क़लिमे तोहैद क़लिमे शहादत हम निकालते हैं तो ये ज़िक्र है या नहीं है यकीन ज़िक्र है और ज़िक्र ये इबादत है तो मालूम यह हुआ कि ज़ुबान से भी इबादत हम अंजाम देते हैं अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये जिक्र जबान से कर रहे हैं या फिर हम आमाल से कर रहे हैं अपने हाथ और पैर से इसमें दोनों चीज़ें ज़बान से भी हम करते हैं कुरान पढ़ते हैं दुआएं करते हैं जिक्र अदकार करते हैं ज़ुबान भी इसके अंदर शामिल है और हाथ पैर इसका भी अमल इसके अंदर शामिल है तो मालूम ये हुआ इबादत कहते हैं एक ऐसा नाम के जिसको अल्लाह तबारक व ताल पसंद करते हो और उसको करने से अल्लाह तबारक व ताल राज़ी होते हैं अब सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व ताल किस काम को पसंद करते हैं अल्लाह तबारक व किस काम से राजी होते हैं बताइए अगर मैं कहूं तो मैं अपने लिहाज से बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा अगर आप किसी गैर मुस्लिम के पास जाएँ तो वो भी अपने तौर पर बहुत सारी बातें बताएगा अगर आप किसी और मुसलमान के पास जाएँ जिसका ईमान कमज़ोर है वो भी इबादत करना चाहता है और इबादतें करता है लेकिन इबादत वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए अपने तौर पर नए नए काम को वो ईजाद करता होता नहीं होता ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह आलमीन किस काम को पसंद करते हैं आखिर ऐसे कौन से काम हैं जिनको हम इबादत का नाम दे सकते हैं बताइए सीधा सा जवाब है इसका जिसका तजकर हमें कुरान में या फिर हदीस में मिलता हो उसी से अल्लाह तबारक व ताली रज़ामंदी हासिल हो सकती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर उस तरीक़े को बताया है जिसे अल्लाह तबारक व ताली पसंद करते हों जिससे अल्लाह तबारक व तै राजी होते हैं और अल्लाह रबुलामी ने भी कुरान मजीद में ऐसे बातों का और ऐसे कामों का हुक्म दिया है तो हम यानी कि इबादत करने में पाबंद हैं हम क्या हैं पाबंद मतलब ये कि दिल में जो भी आ रहा अल्लाह को मैं खुश करने के लिए ये कर रहा हूं चलो नहीं हती के देखिए आप सोचिए तस्वूर कीजिए साहबा कराम के पास इबादतों के अंदर के अंदर कितना ज्यादा अहतमाम था हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदील एक शख्स छींक आ गई और छींक के जवाब पर उसने कहा अलहमदुल्ला वसलाम अला रसोल्ला क्या कहा उसने अल्हमदल्ला क्या मतलब तमाम तारीफ अल्लाह के लिए वस्सलातु वसलाम अला रसूल्ला और अल्लाह के नबी पर अल्लाह के रसूल पर दरूद हो सलामती हो कोई गलत बात कही उसने छींकने के बाद कोई गलत बात उसने कही कोई गलत जुमला उसने कहा कोई शिर्क है इसके अंदर कोई बिदात का काम उसने किया कोई ज़ाहरी तौर पर कोई बेदात है उसके अंदर नहीं लेकिन हज़रत अब्दुल्ल बिन उमर रदील्ला ने कहा कि नबी व्द्ल आल हज़रत अब्दिल्ल बिन उमर रदी ने यह कहा कि हज़रत के नबी सल्ह वसम ने हमें जो अल्फा सिखाए छींकने के बाद जो अल्फा हमको सिखाए वफ़ा सिर्फ़ इतने ही थे अलहमद ला या फिर आलाकुल यानी कि दूसरे जो अल्फाज उसके अंदर अल्लाह के नबी पर दरूद भेजना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गलत काम नहीं लेकिन जिस वक्त में छीकने के बाद जो दुआ हमें सिखाई गई वो दुआ क्या थी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह साहबाई कराम यहाँ तक ख्याल किए अल्फाज के अंदर भी जिक्र असकार के अंदर भी इतना ज्यादा साहबा कराम सोचा करते थे और आज बहुत सारे लोग अल्लाह अरबुलमीन को राजी करने के नाम पर खुश करने के नाम पर नए नए तरीके मुख्तलिफ़ काम वो अपने तौर पर शुरू करते हैं याद रखिए है, ये सारी चीजें इबादत के अंदर शामिल नहीं चलिए इबादत का एक तस्वूर आपके जहनों में आ चुका होगा अब आइए इबादतों के अंदर बास चीजें होती हैं जो कि शर्त हैं जो कि अरकान हैं इबादत के और अगर ये अरकान इबादत करते हुए एक मुसलमान के दिल में ना हो एक मुसलमान की नीयत ना हो तो फिर वहाँ पर वो इबादत इबादत नहीं कहलाती और वो कौन सी चीज़ें हैं एक है रजा दूसरी है उम्मी, एक है खौफ रजा और तीसरा है मोहब्बत। एक है रज़ा यानी कि उम्मीद दूसरा है खौफ अल्लाह तबारक तआला का डर खौफ और तीसरा है क्या है जी मोहब्बत याद रखिए क्योंकि हम इबादत करेंगे यहां दर्श होगा तो उसके बाद नमाज होगी नहीं होगी हमारी नमाज होगी तो उसके अंदर मोहब्बत के जज्बे के साथ हम नमाज पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं हम अल्लाह तबारक तआला से हमारी मोहब्बत है अल्लाह तबारक वा ने हमें फला काम करने का हुक्म दिया तो अल्ला रबालमीन के इस हुक्म को हम चाहते हुए पसंद करते हुए अमल करेंगे अगर कोई बंदा ये समझते हुए अरे क्या परेशानी है भाई जी दिन में पांच वक्त की नमाज कम अज कम दो तो भी होती तो अच्छा होता चलो अब हम मजबूर है करना पड़ता हमको कर रहे हैं मोहब्बत के जज्बे के साथ किया वो बताइए मोहब्बत मोहब्बत का जज्बा है यहाँ पर नहीं मोहब्बत का जज्बा नहीं जब मोहब्बत का जज्बा नहीं है तो फिर वो इबादत इबादत नहीं है बल्कि वो तो या तो दिखावा होगा जी वो तो या तो दिखावा होगा मोहब्बत इसको मोहब्बत के जज्बे के साथ करना होगा और दूसरा काम वहाँ पर इबादत के अंदर जो रुकन है वो है रजा अल्लाह तबारक व ताल से उम्मीद होनी चाहिए हमें किस बात की उम्मीद होनी चाहिए रमजान के महीने में आप यह हदीस बहुत ज्यादा सुने होंगे मन सामा रमाना ईमानन वहतिसाबन एहतिसाब की नीयत से एहतिसाब किसको बोलते हैं सवाब की नीयत से और बंदा अल्लाह तबारक व तआला से सवाब की उम्मीद रखते हुए अमल करेगा अगर समझ लीजिए कि उसको उम्मीद ना हो फिर क्यों कर रहा भाई वो इबादत इबादत में उसका शौक होगा खुशु खजु जी इबादत में जो तड़प होनी चाहिए अगर जज्बा ना हो देखिए हम और नमाज़ पढ़ते हैं हमारा हमारा शौक क्या है नमाज़ पढ़ने के अंदर हमारी उम्मीद क्या है अल्लाह तबारक व ताल हमारी नमाज को कबूल करेंगे और हमारी नमाज को कबूल करके हमको क्या करेंगे जन्नत में दाखिल करेंगे ये हमारी उम्मीद अगर ये उम्मीद नहीं होती तो कोई बंदा नमाज पढ़ता जी जन्नत को हासिल करना यह हम में से हर मुसलमान बंदे की क्या है उम्मीद है अगर उम्मीद नहीं होगी तो फिर कोई बंदा अमल नहीं करता तो ये दूसरा जज्बा है जो कि इबादत के अंदर होना चाहिए इसी तरीके से एक तीसरी बात जो तीसरा रुकन आपके सामने जिक्र किया गया वो है खौफ खौफ किसको बोलते हैं अल्लाह तबारक वाली का डर डर होना चाहिए हमारे दिलों में यानी कि अगर बंदा इस तस्वर को अपने जहन में अपने दिलों में बिठाए हुए हैं कि अगर मैं ये काम ना करूं या फिर सही अंदाज में ना करूं अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं नमाज ना पढूं और सही तरीके से मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं जी ना नमाज के वाजिबात का मुझे ख्याल ना नमाज के अरकान का मुझे ख्याल जी जैसे चाहे बेतरतीबी के साथ बे में अगर मैं नमाज पढ़ लूँ तो मेरी नमाज काबिल कबूल नहीं है और जब मेरी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी तो क्या होगा अल्लाह तबारक व ताल मेरी गिरफ्त करेंगे जब अल्लाह तबारक व ताल की गिरफ्त का ख्याल उसको हो जब अल्लाह तबारक व ताल की पकड़ का डर उसको हो तो वह क्या करेगा صحيح طريقة عبادتك أنجام ديگة تو یہ عبادتك أركان الله تبارك وتعالى نے إن باتوں کو إیک آية أندر ذكر کیا کہا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويرجون الله ويخافون عذابه अल्लाह तबारक व ने फरमाया कि मोमिन लोग कौन होते हैं जो अल्लाह तबारक व की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं अल्लाह तबारक व ताल के करीब होना चाहते हैं यब त वो चाहते हैं यानी कि यहाँ पर मोहब्बत की दलील हमको मिलती बंदा वही काम करता है जिसको वो चाहता है पसंद करता है हमने इबादत के अंदर मोहब्बत का तस्करा किया मोहब्बत होना ज़रूरी तो उसकी दलील हमको यहाँ पर मिल गई और दूसरी बात हमने क्या जिक्र की रजा व अर्जुन रहमता अल्लाह तबारक व ताला की रहमत की उम्मीद के साथ आयत के अंदर इस बात को जिक्र किया गया और आखिरी तीसरी चीज़ क्या जिक्र की गई वौफू ना आदाब अल्लाह तबारक व ताला के आदाब का डर भी पकड़ का खौफ भी बंदे को होना चाहिए तो इन तीनों तीनों चीज़ों को क्या कहा गया इबादत के अरकान कुरान मजीद में हमको इसकी दलील मिलती है वो जस्मिन कराम यहाँ पर शेख उम मोहम्मद बिन अब्दुलवाहाबर रहाम आल ने इबादत की चंद किस्मों को ज़िक्र किया जब ये बात आपको बता दी गई कि इबादत का मायना क्या है और इबादत के अंदर कौन सी चीज़ें एक मोहब्बत दूसरा खौफ और तीसरा रजा यानी कि उम्मीद जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो हमारी नमाजों के अंदर खुशहूर और तजल्ल यानी कि अपने आप को अल्लाह के सामने छोटा बना कर पेश करना नमाज में खुशू की जो कैफियत होती है खुजू की जो कैफियत होती है इबादतों के अंदर ये ज़रूरी है वो कैफियत इंसान की इबादत में पैदा होती है अगर ये तीनों चीज़ें नहीं अगर अल्लाह का डर नहीं है तो जब चाहे वो इबादत करेगा और जब चाहे वह इबादत को छोड़ देगा अगर वो उसको उम्मीद ना नहीं है जन्नत को हासिल करने की ब को हासिल करने की नेमतों को हासिल करने की उम्मीद ही नहीं है उसको तो वो इबादत करेगा नहीं करेगा अगर बंदे को मोहब्बत नहीं है अल्लाह तबारक व ताली से तो अल्लाह अल्ला रबालमीन के अहकाम की वो अमल करेगा उस पर नहीं करेगा तो इसीलिए लिए इल्म ने ज़िक्र किया कि ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं और उसकी दलील भी आपके सामने जिक्र कर दी गई अब आगे, आगे आपके सामने इबादत की जो भी किस्में जिक्र की जा रही हैं उन तमाम के अंदर इन तीनों चीज़ों को आप देखेंगे और इस जज्बे से जो अमल किया जाता है वो इबादत कहलाएगा इन तीनों चीज़ों के जज्बे के साथ इन तीनों चीज़ों के साथ जो काम किया जाता है तो फिर वह इबादत के दायरे में आ जाएगा और ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होना है अगर ये तीनों चीज़ें किसी और के लिए हो रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा गैरुल्ला की इबादत करार दिया जाएगा जैसे मिसाल मिथा, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर अगर किसी का बहुत ज़्यादा एहतराम हमारे दिल में हम अपनी मिसाल नहीं लेते किसी आम शख्स की मिसाल लेते हैं अदबिल्ला अगर किसी आदमी के दिल में फला की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है एहतराम है इज़्ज़त है वो उसको दिल से चाहता है चूंकि वो अल्लाह का बंदा है उसको बहुत ज्यादा बड़ा तस्वर करता है बहुत अल्लाह वाला तस्वूर करता है अब उसके एहतराम में क्या करता है वो उसके आगे सर झुका दिया उसके कदमों में पड़ गया उसके कदमों को चूम लिया जी उसके आगे झुक जाता है अब आप बताइए कि यहाँ पर यह झुकने वाला काम किया किस बुनियाद पर किया उसने बताइए मोहब्बत की बुनियाद पर किया और हमने बताया कि मोहब्बत की बुनियाद पर जो अमल किया जाता है यह जज्बा किसके लिए होना चाहिए अल्लाह के लिए होना चाहिए अब यहां पर किसी और के लिए सर सर तो इसका मतलब यह हुआ कि कि मोहब्बत की बुनियाद पर इसने इसके आगे झुकाया वो कहता है के मैं अहतराम कर रहा हूं मैं इसको मबूद नहीं समझता लेकिन यहां पर उसकी नीयत क्या है किस बुनियाद पर उसने किया मोहब्बत की बुनियाद पर किया तो फिर यह अमल उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा एक मिसाल मैंने आपको दी एक मिसाल मैंने आपको दी जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा फला जगह पर बैठे हुए कोई तकलीफ में कोई मुसीबत में फलन दिल में ख्याल करता है कि ख्वाजा बंदे नवाज मेरी मदद कर दीजिए या या फिर कहते हैं या अली मदद या अली मदद क्या तस्वुर होता है उसके अंदर उनसे उम्मीद लगाए है बैठते हैं कि वो हमारी क्या करेंगे मदद करेंगे तो यहां पर ये दुआ कर रहा है मदद के लिए पुकार रहा है किस बुनियाद पर पुकार रहा है उम्मीद की बुनियाद पर कि उसको यकीन है या फिर उम्मीद है कि जिसको वो पुकार रहा है वो हमारी मदद करेंगे और हमने क्या बताया ये अरकान है किसके इबादत के इस जज्बे के साथ कोई भी अमल किसी गैरुल्ला के लिए किया जाता है तो फिर वो क्या होगा कुफ्र होगा शिर्क होगा तो इस मफ़ूम को समझ गए आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह जी चलिए हम आगे बढ़ते हैं इबादत की चंद किस्में यहां पर जिक्र की गई सबसे पहली किस्म दुआ सबसे पहली किस्म है दुआ उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं दुआ के साथ अल्लाह यहाँ पर देखिए दुआ है खौफ है रजा है उम्मीद है तवकुल है रगबत है रहबत है खुशू है खशियत है इनाबत है इजत्यानत है इसत्यादा ये सारी चीज़ें इबादत की किस्में हैं गरचे के अरबी अल्फाज हैं अल्फाज आपको समझ में आए होंगे और बाद अल्फाज समझ में नहीं आए होंगे लेकिन इन शाह एक एक करके हम आपके सामने उसकी तफसीत को मैं ज़िक्र करने की कोशिश करूँगा सबसे पहली बात जैसे कि आपको ये बात बताई गई कि इबादत के लिए दलील का होना ज़रूरी इबादत के लिए हमने क्या कहा दलील का होना जरूरी अगर कोई भी आदमी कोई भी आलिम या फिर कोई भी इमाम आपके सामने ये बात ज़िक्र करता है कि फलां काम इबादत है तो हमारे जहनों में सबसे पहली बात आनी कौन सी चाहिए इसकी दलील कुरान या हदीस में है क्या अगर है तो हम अमल करेंगे अगर नहीं है तो फिर ये इबादत नहीं बात समझ में आ रही है आप लोगों को जी ये बात ये सबसे पहली तस्वीर सबसे पहली बात आपके जहनों में होनी चाहिए बल्कि हर मुसलमान के जहन में होनी चाहिए इससे होगा क्या इंसान बिदात से अपने आप को महफूज रखेगा बिदात से खुराफा से जो माशरे में है उससे अपने आप को महफूज रखेगा चलिए तो सबसे पहली इबादत का जो जिक्र यहां पर किया गया वो है दुआ दुआ किसको बोलते हैं देखिए दुआ का एक अहम शर् माना तो हम देखेंगे माना। एक लुगवी तौर पर या पूछता है सुवाल करता है सही है नातजा मांगना सवाल करना वही इसके अंदर देखिएजा बोले आप यहजा का लफ्ज क्या होता है किसको बोलते हैं रिक्वेस्ट करने को गुजारिश उसको इल्तिजा बोलते हैं कोई बंदा किसी से जब गुजारिश गुजारिश करता है तो क्या फखर के साथ गुजारिश करता है आ? मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे लाइए पैसे जो भी है मुझे कर्जा दीजिए बोलते हैं आप लोग कोई भी नहीं बोलता है कोई भी मतलब ये कि आजजी तज़ल्लुल जी तज़ल्लुल उसके अंदर पाई जाती है अपने आप को वो क्या करता है छोटा बनाकर कम बनाकर पेश करता है उसको इल्तिजा बोलते हैं जो कि अल्लाह तबारक तआला के सामने बंदा करता है याद रखिए दुआ के जितने भी माने और मफहूम जिक्र कर दिए जाए वो सारे के सारे इबादत वो सारे के सारे क्या है इबादत है कोई दुआ कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं फला से मांग रहा हूँ फला से पूछ रहा हूं तो ये इबादत नहीं ये दुआ नहीं मांग रहा हूं बस मैं ऐसे ही कर रहा हूं नहीं दुआ चाहे आप जिस अल्फाज में भी कर लें ये इबादत क्यों जब किसी से दुआ मांगी जाती है जब किसी से कोई सवाल किया जाता है वहाँ पर तस्वर क्या होता है अगर हम किसी खैर का सवाल कर रहे हैं किसी फ़ायदे का सवाल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी नीयत या फिर मांगने वाले की नीयत ये होती है कि जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो मुझको क्या कर सकता है नफ़ा पहुँचा सकता है फायदा पहुंचा सकता है अगर कोई आदमी मुसीबत में है अगर कोई आदमी तकलीफ में है वो उस तकलीफ से बचना चाहता है उस तकलीफ से बचने के लिए अगर किसी से मांगता है तो उसका मकसद क्या होता है उसकी नीयत क्या होती है फला आदमी मुझे नुकसान से बचाएगा यही तो नीयत होती है और वहां पर इंसान अपने आप को आजिज बनाकर पेश करता है और जिससे वो मांग रहा है उसको बेनियाज या फिर देने वाला समझकर पूछता है सही बात है जी मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अगर कोई शख्स किसी भी वली के पास चले जाए वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। रास्ते में यहाँ पर भी उस्मानिया के पास यहाँ पर भी एक पड़ता हमारे अकायद को महफूज रखे हम किसी पर देखिए ना ताना है ना तनकीद जब इल्म से कुरान सुनत से दूरी हो जाती है तो कैसी गुमराही आ जाती है देखिए वहां पर जाकर अगर कोई औलाद की दुआ मांगता है औलाद देने वाले कौन है अल्लाह ताला। है। अब लेकिन ये सवाल किससे कर रहा है खबर वाले से कर रहा है गोया कि इसकी नीयत यह है कि अगर यही खबर वाला मुझको फायदा पहुंचाएगा तो फिर यह क्या हो जाएगा कुफरे अकबर हो जाएगा शिरकी अकबर हो जाएगा जी लेकिन बाज लोग आपको यह कहते हैं भी नजर आएंगे जैसे कि गुजश्ता क्लास में यह भी सवाल किया गया था कि सवाल करने वाले की नीयत इस खबर वाले से नहीं होती बल्कि उसकी नीयत यह होती है मैं इसके जरिए से क्या करूंगा अल्लाह रब्बुल से मैं इससे सिफारिश करूंगा मेरा और अल्लाह का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं हो सकता क्योंकि मैं गुनेगार। ये वली हैं वलियों का ताल्लुक होता है इसीलिए मैं इनसे मांगूंगा और यह मेरे लिए क्या करेंगे अल्लाह तबारक तआला के पास मेरी सिफारिश करेंगे हमारी सिफारिश करेंगे कुरान मजीद कहता है बुरहानी रबी ने वाजल्फाज में कह दिया कि जो लोग भी इबादत को किसी गैरुल्ला के लिए करते हैं दुआ मांगना इबादत है नहीं इबादत अगर कोई किसी गैरुल्ला से मांगता है चाहे नीयत कुछ भी हो इससे डायरेक्ट मांग रहे हो फिर इसके जरिए से अल्लाह को मांग रहे हो ला बुरहान लहू बुरहानूबी उसकी कोई दलील नहीं

व अनमसाजिद्ला फलत ही अहदा मस्जिदें अल्लाह तबारक व ताल के लिए हैं अल्लाह रबालमीन के अलावा किसी और को तुम मत पुकारो उसकी इबादत अल्लाह के अलावा किसी की इबादत तुम मत करो हदीत में है अल इबादा दुआ इबादत है तो दुआ की इबादत होने की दलील हमको मिल गई अब हम दुआ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं दुआ कर सकते हैं दुआ की अहले इल्म ने दो किस्में जिक्र की मैं गालिबा पहले भी आपको ये बातें जिक्र किया था दुआ की दो किस्में एक हैं दुआएं हाजा जिसको दुआए मसला भी बोलते हैं और दूसरा है दुआए इबादा दुआए मसला किसको कहा जाता है इंसान अपनी जरूरियात का सवाल अल्लाह तबारक व ताला से करता है अल्लाह मुझको ये चीज दे दे मेरी ये जरूरत को पूरी कर दे मुझे फ़ला नुकसान हो चुका अल्लाह मेरे नुकसान को ख़त्म कर दे मुझे तरक्याँ दे मुझे कामयाबी अता कर अपनी ज़रूरत का सवाल अल्लाह तबारक व ताल से जो करता है उसी को दुआए हाजा कहा जाता दुआ की जो दूसरी किस्म है जिसको दुआए इबादा कहते हैं यानी कि बंदा जो कुछ भी इबादत करता है नमाज है ये दुआए इबादत रोज़ा है वो दुआए इबादत इसको दुआ क्यों कहा गया क्योंकि आदमी एक मुसलमान एक इबादत गुजार बंदा नमाज पढ़ते हुए गोया कि उसकी नीयत ये होती है कि अल्लाह मेरी इस नमाज को क्या कर ले कबूल कर ले यानी कि यहाँ पर भी वो दुआई कर रहा इबादतें करते हुए भी वो दुआई कर रहा तो कुरान मजीद में जहाँ पर भी दहा या फिर यदू के अल्फाज दुआ के अलफा आते हैं तो फिर वहाँ पर दोनों माने लिए जाएंगे पुकारना ये भी अल्लाह ही के लिए है और इबादत करना चाहे जो भी इबादत हो वो किसके लिए होनी चाहिए अल्लाह तबारक होनी चाहिए वज़ह सामी ने मसला शेख उम इब्ने और रहमतुल्लाह आल जिक्र करते हैं मैं उस इबारत को पढ़कर आपको वाजह करूंगा कि इसका क्या माना है कहा इन यकून लुद्धन लिनफ़ी व्री मबूद यानी कि जिसकी हम इबादत करते हैं उसको कैसा होना चाहिए नफ़ा और नुकसान का मालिक होना चाहिए कोई आदमी कोई इंसान नफ़ा नुकसान का मालिक हो सकता है नहीं हो सकता तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक मतल ही ही नफ़ा नुकसान का मालिक है तो उसी की इबादत करनी चाहिए इस मफ़ूम को शेख उम इबिनला ने जिक्र किया अब यहाँ पर एक शुभा जो पैदा होता है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हमने कहा कि दुआ का मतलब तलब करना सुल करना है जी अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई मैं अपने से दोस्त से दोस्त के पास जा रहा हूं और जाकर उससे क्या कर रहा हूं मदद पूछ रहा हूं बोल रहा हूं कि भाई थोड़ा परेशानी में हूं आप क्या कर दो मेरी मदद कर दो और हमने क्या किसी से मदद मांगना हो तो किससे मांगना है अल्लाह ताला से मदद मांगना यानी वही तो दुआ है जी अब ये जो शक्ल हमारे माशरे में है इसका जवाब हम कैसे देंगे इसको हम कैसे दूर करेंगे हम कैसे पहचानेंगे कि दुआ की जो कौन सी किस्म इबादत में आती है और कौन सी किस्म इबादत में नहीं आती इसके लिए अहले इल्म ने तीन शर्तें जिक्र की तीन बातें जिक्र की यानी कि इंसान अपनी ज़रूरत का सवाल अपने दोस्तों, अहबाब से करीबी लोगों से कर सकता है और वो इबादत के अंदर शामिल नहीं होती इबादत के अंदर वो शामिल नहीं है इन तीनों बातों को आप जहन में रख लिया अगर जहन में रख लेंगे तो फिर मसला बिल्कुल वाजे होगा और आगे जो कुछ भी चीजें आएंगी उसके अंदर भी यही मसला आपके सामने जिक्र किया जाएगा सबसे पहली शर्त जो हम मखलूक से अपने दोस्तों से भाइयों से रिश्तेदारों से जो मदद का मुतालबा करते हैं उसके लिए शर्त यह है कि हम जिससे भी मांग रहे हैं वो क्या हो जिंदा हो क्या होना वो जिंदा हो सबसे पहली शर्त वो जिंदा है अगर जिंदा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वह हम उससे सवाल नहीं कर सकते चाहे दुनिया का भी सवाल नहीं कर सकते आप और ना ही उसकी ताकत से बढ़कर तो सवाल किसी जिंदा से भी नहीं कर सकते है ना जी जिंदा होना अगर मरा हुआ है तो फिर उसे सवाल नहीं किया जा सकता जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी खबरस्तान में दफन है कब्र में है या फिर बुद्ध की शक्ल में है बुद्ध में जान होती है दरख्त में जान होती है

और वहां के बारे में मशहूर था कि उस बुद्ध के अंदर से आवाजें आती थी लोग जब पूछते सवाल करते तो उससे आवाज़ें आती जैसे उस साहबी ने उस बुद्ध को तोड़ा तो एक औरत नुमा शक्ल उस बुद्ध से निकला और वो भाग गया साहबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर पूछा कि अल्लाह के नबी नबीम ऐसा ऐसा मामला पेश आया तो कहा कि ये जिसकी इबादत कर रहे हैं वो वही शैतान था जो उस बुद्ध के अंदर से लोगों को गुमराह कर रहा था कभी कभी ऐसे भी होता है इसलिए हमारा ईमान क्या होना चाहिए मजबूत होना चाहिए मैं इसकी दूसरी मिसाल देता हूँ देखिए कैसे शयातीन इंसान के अकैद के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं लाख इलाज करा लिए पूरे मुकम्मल टेस्ट हो गए बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो गया रुकिया शरीय करा लिए कुरान के ज़रिए से अहदी सही दुआओं के ज़रिए से इलाज करा लिए अल्लाह की आजमाइश है जी उसका इलाज नहीं हुआ लेकिन जैसे ही एक तावीज़ उसके हाथ में बांध दिए इलाज हो गया उसका सेहत याब हो गया फ़ौर उसके दिल में क्या होता रे भाई क्या ये सही है क्या आता ख्याल नहीं आता जी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हम यहाँ पर गए वहाँ पर गए कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर चले गए वो बाबा ने हमको शिफा दे दी बहुत सारे लोग कहते हैं जी ऐसे बहुत सारे वाक़ियात सवाल होते हैं ऐसी सूरत में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो इंसान के ईमान के लिए ये बहुत ही ज्यादा आजमाइश मरहला होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभलना चाहिए तो बहरहाल दुआ हम या फिर हम जो कहते हैं कि मदद तलब करना इंसानों से हम उस वक्त कर सकते हैं जब वो क्या हो जिंदा हो अगर जिंदा नहीं है तो फिर उससे हम सवाल नहीं कर सकते दूसरी शर्त जो अहले इल्म जिक्र करते हैं कुरान हदीस की रोशनी में वो है कि वो हमारी बात को सुनने के काबिल हो जी हमारी बात को सुनता हो समझता हो आदमी तो जिंदा है मैं यहां पर हूँ निज़ामबाद में एक सरकार या फिर अजमेर में एक सरकार बैठे हुए हैं दुआ कर रहा हूं अरे भाई दुआ जिंदा तो है वो लेकिन क्या मेरी आवाज को सुन पा रहा है वो जी आवाज को सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है तो शर्त क्या है हमारी आवाज को सुनना जी हमारी गुफ्तगु उस तक पहुंचे ये दूसरी शर्त है। ये दूसरी शर्त है। तो मालूम ये हुआ कि जो आदमी हमारे सामने मौजूद नहीं है तो उससे हम दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी दुआ को कबूल कर लीजिए इसके अंदर दो बड़ी खतरनाक चीजें एक चीज तो ये आप जिससे भी ये उम्मीद लगा रहे हैं गोया कि आप उसके ताल्लुक से यह ख्याल कर रहे हैं कि वो गैब का इल्म रखता है है ना जो हमारे सामने मौजूद नहीं है वो हमारी मदद करेगा ये तस्वुर करना गोया कि उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम उसके बारे में ख्याल करें कि मेरी हालत के बारे में उसको मालूम यानी कि हम उसके लिए गैब का इल्म साबित कर रहे हैं ये तो बहुत बड़ी खतरनाक चीज है और उसके साथ उससे हम मांग रहे हैं और ये भी सिर्फ दो चीजें यहां पर जमा हो गई तो बहरहाल दो शर्तें आपके सामने जिक्र की गई है एक पहली ये कि वो जिंदा हो दूसरा ये कि वो हमारी बात को सुनता हो और तीसरी चीज ये है तीसरी शर्त हम जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल को पूरा करने की ताकत उसके पास हो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में बाज नेमतें दी उन नेमतों के जरिए से हम किसी की भी मदद कर सकते हैं किसी की भी मदद हम कर सकते हैं मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए कोई आदमी जिंदा है हमारे सामने मौजूद है हमारे सामने मौजूद है और हम जाकर बोल रहे हैं कि अभी बारिश हो रही बारिश को रोक दीजिए बारिश को रोकना उसकी कुदरत में है ताकत में है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ ऐसा सवाल करना ये शिरक में आ जाएगा जी मिसाल के तौर पर आपको दस हजार रुपए की जरूरत आपके पड़ोसी हैं पड़ोसी के पास गए पड़ोसी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह लाला सबके पड़ोसियों को सेहत आफियत के साथ रखें अच्छा पड़ोसी नसीब करें पड़ोसी के पास चले गए जी जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पहुंच रहे हैं बोल रहे हैं कि भाई मुझे कर्जा दे दीजिए ज़रूरत है जी हमारी बात सुन रहा हम पहुंच रही नहीं पहुंच रही बात पहुंच रही अब उसके पास दस हज़ार देने की इस्तात हो सकती है नहीं हो सकती है मामूली सी रकम है वो दे सकता है इस्तात उसकी होगी मतलब ये कि तीनों शर्तें यहां पर पूरी हो रही तो इसका मतलब ये कि हम ऐसे मामला में दुआ उससे हम मदद तलब कर सकते हैं मदद मांग सकते हैं इसका हुक्म खुद कुरान से हमको मिलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलल बिर्र नेकी के कामों में खैर के कामों में क्या करो एक दूसरे का ताउन करो जरूरत के वक्त एक मुसलमान के काम आना किसी भाई के काम आना यह नेकी का काम है या नहीं है किसी की जरूरत को पूरा करना यह खैर का काम है या नहीं है यकीनन खैर का काम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसका हुक्म दिया जी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयम नून अलमा अराइलदीकदीब अब जानते हैं बड़ी मशहूर सूरत है छोटी मुख्तर सूरत हर किसी को याद होगी अल्लाह रबालमीन ने क्या कहा वो लोग जो बरतने की छोटी छोटी चीज़ें मामूली सी चीज़ें वो आप किसी को दे सकते हैं जैसे पड़ोस में से अगर ये मुतालबा हो गया कि घर में मेहमान है आपके पास जो बड़ा बर्तन है वो दे दीजिए मामूली चीज़ें इसमें हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं कभी ये छोटी मामूली चीजें अगर कोई रोकता है मना करता है तो अल्लाह आलमीन ने उनकी सरजनिश इस सूरे के अंदर की मतलब ये कि मदद कर लेनी चाहिए खुद कुरान मजीद हमको मदद करने का हुक्म देता है लेकिन कब मदद मांगना चाहिए हम किसी मखलूक से उसके लिए तीन शर्तें हम देखेंगे अब आइए मुआशरे में जो शिर्क की, की सूरतें फैली हुई हैं उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं लोग जाते हैं सवाल करते हैं मजारों के पास या फिर बुतों के पास खबरों के पास दरख्तों के पास जानवरों के पास क्या वो जिंदा है जिंदा है नहीं वो जिंदा नहीं चलिए मान भी लीजिए अगर कोई इस बात को साबित कर दे जो कि साबित नहीं कर सकते कि खबर में हमारे ये हजरत जिंदा है खबर में हमारे ये हजरत जिंदा है तो क्या यहां पर उन हमारी बात वो सुन रहे हैं क्या जी कौन साबित करेगा या तो वो उठकर खुद आकर बोलना है है नहीं क्या मुमकिन है ये नहीं मुमकिन नहीं जब ये तय ये मुमकिन ही नहीं है तो फिर किस बुनियाद पर उसे सवाल किया जा रहा है मखलूक से अपनी जरूरत का सवाल ही सही अगर किसी खबर के पास जाकर बुद्ध के पास जाकर बोल रहे हैं कि मुझे दस रुपए दे दीजिए अगर वो जिंदा होता तो शायद दे सकता मामूली चीज लेकिन मांगा किससे जा रहा है एक मुर्दे से मांगा जा रहा है जो कि शिरके है यही चीज हम मुसलमानों को समझने की जरूरत है इबादतों के अंदर यह इबादत दुआ इबादत है दुआ का माना सुवाल करना तलब करना पूछना अपनी जरूरत को पूरा करने का सुाल करना आजजी के जज्बे के साथ इनकिस के जज्बे के साथ तजल के साथ रजा के साथ यकीन के साथ उम्मीद के साथ अल्लाह तबारक व तारा से मांगने को यह इबादत कहा जाता है अल्लाह अरबालमीन ने कुरान मजीद में इसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें जिक्र की कहा इबादती सैद हुलू ना के जो मेरी इबादत से मुंह मोड़ेगा मेरी इबादत से क्या करेगा एराज करेगा अब एराज दो शक्लों में मुमकिन एराज मुंह मोड़ने का मतलब क्या है या तो वो शिर करे अल्लाह के इबादत करने के बजाय किसी और की इबादत करे ये अल्लाह रबालमीन की इबादत से मुंह मोड़ना हुआ दूसरा ये या तो वो इबादत का ही इनकार कर दे ये कहे कि ये इबादत ही नहीं ये कहे कि ये इबादत ही नहीं है तो ये दोनों सूरतें एराज के अंदर आ जाती हैं जो कोई भी ऐसा करता है तो अल्लाह रबालमीन ने फरमाया वो शख्स जहन्नम में जलेगा जहन्नम में दाखिल होगा तो बात समझ में आ गई दुआ इबादत है और हम ये जो शुबा हो सकता है कि हम मखलूक़ा से जो सवाल करते हैं इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है जब वहां पर तीन बातों का ख्याल पहली बात क्या है? पहली शर्त जिंदा हो दूसरी शर्त जी अस यमीन आप लोग दाएं जाने वाले हैं जी सुनने वाला हो हमारी बात को सुन सकता हो समझ सकता हो जी तीसरी बात हमारी ज़रूरत को हम जो भी सवाल कर रहे हैं उसको पूरा करने की ताकत और क़ुदरत वो रखता हो ताकत और क़ुदरत वो रखता हो तो बहरहाल चलिए उसके बाद एक और इबादत को हम लेते हैं वो है खौफ डर खौफ ये भी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरान मजीद में बयान पर जब हम कहते हैं इबादत है तो सबसे पहले ख्याल हमारे जहनों में क्या आना चाहिए नौजवानों से सवाल है मेरा जब हम कहेंगे कि खौफ इबादत है डर इबादत है तो सबसे पहली बात हमारे जहनों में क्या आनी चाहिए इसकी दलील क्या है दलील दलील होना ज़रूरी जब तक दलील नहीं होगी कि हम किसी को इबादत नहीं मान सकते कुरान में दलील है क्या मौलाना हदीस में इसकी दलील हमको मिल सकती क्या अगर मिल रही तो बोलिए हम भी इबादत करेंगे अगर नहीं मिल रही तो बोलिए कि चलिए अल्लाह हाफिज़ ठीक समझ में आ रही बात तो जब हमने ये बात कही दी कि खौफ डर ये इबादत है तो इसकी दलील क्या अल्लाह आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया फला तुम वूनी तुम क्या करो मुशरकिन से या फिर उनके धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं किन से डरो व खाफूनी अल्लाह आलमीन ने फरमाया मुझसे डरो खुद अल्लाह रबीन हुकुम दे रहे हैं और हमने क्या कहा अल्लाह ताला किस चीज से मोहब्बत करते, है, है, है। है है। करते हैं जिस चीज से अल्लाह राजी होते हैं उसका हुक्म हमको देते हैं और अल्लाह रबालमीन ने यहाँ पर अल्लाह से डरने का हुक्म हमको दिया या नहीं दिया अल्लाह तबारक व ताल से डरने का हुक्म हमको दिया तो मालूम यह हुआ कि डरना ये इबादत डरना ये इबादत अब सवाल यह है कि अब यहां पर अंधेरा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी में हम लोग बैठे हुए घर के बाहर शायद बिजली गई हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत अल्लाह का शुक्र फर्ज कर लीजिए इन्वर्टर अगर उसकी बैटरी खत्म हो गई अंधेरा हो जाए एक खदशा दिल में डर पैदा होता नहीं होता एक और बड़ी मिसाल देता हूं मैं आपको बिल्कुल वाजे मिसाल अचानक बहुत बड़ा शेर आपके सामने आ गया डर महसूस करते नहीं करते खौफ महसूस करते या नहीं करते खौफ महसूस होता है या फिर अचानक कोई हट्टा हट्टाखट्टा बहुत बड़ा नौजवान जी हाथ में कोई हथियार लिए हुए या फिर डंडा लिए हुए खुली अगर इससे भी बढ़कर मिसाल मैं आपको दूं लॉकडाउन में बाहर जाते हुए डर लग रहा था या नहीं लग रहा था जी कहीं पर भी पुलिस की वर्दी में कोई नजर आ गया तो डर लग रहा था या नहीं लग रहा था डर लग रहा था और हमने कहा कि डर ये इबादत है अब फिर क्या करें हम यह क्या, क्या जवाब देंगे इसका डर तो हमको अंधेरे से भी लगता है डर तो हम तो जानवरों से भी लगता है डर हमको पुलिस वाले से भी लग रहा है डर हमको वालदे से भी लगता है तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने इबादत के अंदर शिर कर दिया नहीं इबादत कौन सी कौन सा डर इबादत है उसको समझना है यहाँ पर शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन रहमतुल्लाह अलैहि ने जो बात जिक्र की कि डर इबादत है खौफ इबादत है तो कौन सा खौफ कौन सा डर उस ताल्लुक से ऐसा डर जो किसी भी इंसान को अल्लाह की इबादत करने से रोके हलाल को हराम और हराम को हलाल समझने पर मजबूर करे या फिर ऐसा डर किसी भी शख्स से ऐसा डर के उसकी इबादत करने पर इंसान को मजबूर करे तो फिर ऐसा डर क्या कहलाएगा शिरके कहलाएगा जैसे मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी जी किसी भी पीर वली बुजुर्ग हम गैरों को क्या बताएंगे बोली उनके पास तो ईमान ही नहीं इसीलिए जो मजार वगैरह की जो मैं मिसाल देता हूं ऐसे लोगों की मिसालें जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं इसीलिए इनकी मिसाल मैं अमूमन आपके सामने देता हूं अगर वो ये ख्याल करें ये तस्वर करे कि अगर हम उनका नाम आ जाए तो एहतराम के साथ अगर हम ना हजरत का लफ्ज अगर नहीं बोलेंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे एहतराम देखिए मोहब्बत हाँ हम उनकी तजीब नहीं करेंगे वो सामने है इंसान क्या करता हमारे सामने कोई भी है तो इज्जत कोई भी कर लेते असल में इज्ज़त क्या होती है पीछे जो होती है इज़्ज़त वो असल इज्जत वो इज़्ज़त अलग ही होती लेकिन यहां पर क्या हज़रत का नाम बोलना वरना गुस्ताखी होगी अरे भाई बहुत बड़ा तो हो गया अगर कोई उनकी इज्जत नहीं करेगा तो हा? असल में क्या है दिल में ख्याल क्या है उसके? है उसके? डर कि अगर मैं उनकी इज्जत नहीं करूँगा अगर मैं उनसे मोहब्बत नहीं करूंगा तो वो क्या करेंगे मुझे अपनी मुरीदियत से निकाल देंगे अब वो मेरे शेख नहीं रहेंगे मैं उनका मुरीद नहीं रहूंगा हाँ या फिर ये ख्याल करें मैं हर जुमा फला जगह पर जाता था फला मज़ार पर जाता था वहां पर सलाम पेश करके आता था या साल में एक मरतबा अजमेर शरीफ को या फिर यहाँ पर वहां पर चला जाता था इस साल अगर मैं नहीं जाऊं तो मेरे कारोबार में नुकसान हो सकता है डर किस बात का डर अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या करेंगे वो खबर वाले अजमेर वाले क्या करेंगे मेरे कारोबार को ख़त्म कर देंगे मुझको नुकसान हो जाएगा तो ये डर क्या करता है उसको मजबूर करता है वहां पर जाने के लिए और उसके लिए वहां पर वो इबादतें मुख्तलिफ काम करता है चढ़ावे चढ़ाता है तो डर क्या करा रहा है इंसान से गलत काम करा रहा है ऐसा डर ये शिरक है ये डर अल्लाह तबारक ताला से होना चाहिए अल्लाह रबी ने फरमाया वाफून अज़ाब, अल्लाह के अज़ाब से डर की कैफियत लेते हुए अगर कोई बंदा रहेगा तो तब जाकर वह इबादतें करेगा अगर ये कैफियत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इंसान अपने दिल में बिठा ले तो फिर यही चीज शिरक अकबर है शिरक है अल में इसकी बहुत सारी किस्में जिक्र की एक डर जो कि तबी 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 डर होता है तबी यानी कि फितरी डर जैसे कि मैंने आपको बताया अंधेरे से डर लगता है जी शैतान का नाम जब सुनते हैं जिन का नाम सुनते हैं तो डर लगता है ये फितरी डर है ये इंसान के ईमान पर अकीदे पर कोई असर डालने वाला नहीं है हजरत मसाल सलात सलाम के बारे में क्या कहा अल्लाह रबुल आलमीन ने जी, जब किफ्ती को मुक्का मारे थे और वो वहीं पर ढेर हो गया तो क्या कहाबीन ने डरते हुए उन्होंने सुबह की किस बात का डर था उनको कि लश्कर मुझको पकड़ लेगा बादशाह के सामने मुझको पेश किया जाएगा एक फितरी डर था जुर्म करने के बाद हर किसी को डर लगता है तो अल्लाह आलमीन ने यहां पर जिक्र किया और मुसाला सलात वसलाम का डरना फितरी डर था जो कि हर इंसान के अंदर हो सकता है तो यह इबादत के अंदर शामिल नहीं इसकी वजह से इंसान का ईमान अकीदा कोई मुताफिर नहीं होता अलबत् एक होता है सिर्री खौफ एक होता है सिर यानी कि दिल में किसी की अजमत इतनी ज्यादा हो कि उसकी वजह से इंसान डरता है जैसे कि उसकी मिसाल मैंने अभी आपके सामने दी तो ये डर इंसान को शिरक तक पहुंचाएगा शिरके अकबर तक इंसान को पहुंचाएगा अच्छा हमने डर की जो किस्म बयान की कि डर अल्लाह रबालमीन के लिए होनी चाहिए डर किसके लिए होना है खौफ किसके लिए होना है अल्लाह रबालमीन और एक बात बताइए डर कब होता है डर कब होता है कब होना चाहिए अल्लाह रबालमीन का डर बताइए डर तो हमेशा होना चाहिए लेकिन उम्मीद भी होना चाहिए डर भी होना चाहिए उम्मीद भी होना चाहिए डर कब होना है उम्मीद कब होना है जी, अहसंत। जब इंसान को उसके गुना जब इंसान गुना करने का इरादा उसके पास होता है तो वहां पर इंसान के दिल में डर का पहलू ज्यादा होना चाहिए दोनों होना लेकिन बैलेंस होना चाहिए ना ये भी होना ये भी होना कौन सा कितने परसेंट पर हो जब इंसान इबादत करता है निकिया करता है तो उस वक्त उम्मीद का पहलू ज्यादा होना चाहिए क्यों क्योंकि मैं एक इबादत करा तो अल्लाह मुझे ये इनाम देंगे उसको उम्मीद होना चाहिए कि मैं और इबादत करूंगा ताकि मुझे मेरे दर्जा बुलंद होते जाएंगे जब उम्मीद इबादत करते हुए नेक काम करते हुए उम्मीद होगी तो फिर वो पहलू इबादतों का उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा और इबादतों को छोड़ते हुए गुनाह का काम करते हुए अल्लाह ताला का डर जब वो दिल में रखेगा तो फिर उससे क्या हो जाएगा गुनाहों से वो रुक जाएगा गुनाहों से वो रुक जाएगा रजा का ताल्लुक इन आगे आएगा उम्मीद का मसाला आगे जिक्र किया जाएगा वहां पर मजीद तफसीलात आपके सामने आएंगी एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा वो ये कि अल्लाह रबुलमीन के लिए जो डर होना चाहिए उसकी दो किस्में एक डर जो कि अच्छा डर है एक डर जो कि महमूद यानी कि पसंदीदा है शरीय में उसका मुतालबा किया गया और दूसरा डर है जो कि नापसंदीदा अल्लाह तबारक व ताल दिल में इतना ज्यादा है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से बदजन हो गया अल्लाह तबारक की रहमत से मायूस हो गया जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी गुनाह करता है, जी गुनाह करने के बाद यह ख्याल कर ले कि अब मैं गुनहगार हो गया अब मुझे सजा मिलनी ही है अब मैं मायूस हो गया वो वो आदमी क्या हो गया मायूस हो गया अगर उम्मीद होती तो क्या करता वो अल्लाह से तबाह करता माफ़ी की यकीन उसको होती माफ़ी की उम्मीद उसको होती लेकिन उम्मीद नहीं बस डर ही डर है और इस डर के चक्कर में वो ये जहन में ये बिठा लिया अब मेरी तो आखिरत तबाह हो गई कम अज़ कम मैं दुनिया में मजे करके जाऊँगा अब वो गुना पर गुना, गुना पर गुना गुना पर गुना गुना पर गुना करता जा रहा दिल में तसवरी है कि ख़त्म मेरा तो काम हो गया तो फिर ऐसा डर जो अल्लाह तबारक ज़हन में बदगुमानी पैदा करता है तो फिर यह डर पसंदीदा डर नहीं कौन सा डर हमारे जहनों में होना चाहिए कौन सा डर एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए अल्लाह तबारक वाला के ताल्लुक से वही डर जो कोई फर्ज काम को छोड़ते हुए बंदे के दिल में आता है कभी हमेशा रोजा रहते हैं एक दिन अगर कोई रोजा छोड़ता है तो दिल में एक अजीब किस्म की बेचैनी और डर होता है कि भाई ये रोजा मैं रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा होता नहीं होता तो यहां पर ये जो डर है जो इंसान को अल्लाह तबारक ताला की इबादत और अल्लाह तबारक ताला की ताद की तरफ ले जाता है तो फिर ऐसा डर ये अच्छा डर है अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसा डर रखना चाहिए ऐसा डर डर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसान को मायूस कर देता हो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बदजन वो हो जाता है बदगुमानी वो अल्लाह तबारक व ताल से करता है अल्लाह की रहमत से वो मायूस हो जाता है तो फिर ऐसा डर पसंदीदा डर नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमायाल्ला तक न तो मेरहमल तो बहरहाल मौजा सामी ने कराम इबादत की दो किस्में एक दुआ और दूसरा खौफ जो कि आपके सामने जिक्र की गई इन शुआ दुआ के तल्ल से मजीद चंद उसकी किस्में हैं आगे दर्ज में आपके सामने इनशाला जिक्र की जाएंगी और उसके अंदर काफ़ी कुछ तफ़ीलत आएंगी कौन सी चीज़ें श्रक अकबर तक इंसान को ले जाती हैं और कौन सी चीज़ें इंसान को गुनहगार बनाती हैं इसकी सारी तफसलत इनशाला आपके सामने जिक्र की जाएंगी अल्लाह तबारक व ताल से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली मुझे और आपको अक़ीद तोहेद को अपनाने ईमान पर सबित क़दम रहने और شرك سے آبكو آپ محفوظ رکھنے توفيق توفیق عطا آمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته